बिरयानी स्टॉल का बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर आप नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं या फिर 8-10-12 हजार रुपए की नौकरी मिल रही है और काम बहुत करना पड़ रहा है, तो ये काम आपके लिए फायदे और तरक्की का है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम है। आप जिस बिजनेस को छोटा समझ रहे होंगे, वही बिजनेस करके कई सारे ब्रांड नेम बन गए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। किन किन जरूरी सामान की आवश्यकता होगी? बासमती चावल, मसाला, तेल, चिकन, दही, गैस, स्टॉल, पार्सल बॉक्स, बर्तन के सामान, बैनर। निवेश कितना होगा? इस बिजनेस को शुरू करने में आपको लगभग 10,000 रुपए का कुल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। बिरयानी बिजनेस में लाभ। 2 किलो चावल और 2 किलो चिकन से बनी 6 किलो बिरयानी की कीमत लगभग 800 रुपए होगी। शुरू में आप इसे 220 रुपए के दाम में बेचें, क्योंकि रिफाइंड तेल से बनी बिरयानी लगभग 200 रुपए किलो के भाव से मिलती है। देसी घी से बनी बिरयानी की कीमत कम होने पर लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। पहचान बन जाने पर आप रेट बढ़ा सकते हैं। ऐसे कम प्रॉफिट और अधिक सेल के द्वारा भी अच्छी कमाई की जा सकती है। 2 किलो तैयार बिरयानी की कीमत 800 रुपए, यदि आप 220 रुपए किलो के भाव से बेचते हैं तो 6 किलो के लगभग 1320 रुपए मिलते हैं। इसमें आपकी बचत होगी लगभग 500 रुपए। इस तरह से दिन में दोपहर से रात तक में 4 शिफ्ट में बिरयानी तैयार कर आप इसे बेच लेते हैं तो आपको रोजाना लगभग 2000 रुपए की बचत होगी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए समय समय पर डिस्काउंट दे सकते हैं। डिमांड बढ़ने पर दूसरे शहर में फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। ऐसे कई ब्रांड मार्केट में चल रहे हैं जिनकी आप फ्रेंचाइजी ले भी सकते हैं। बिरयानी बिजनेस के लिए टिप्स। बिरयानी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको बिरयानी बनानी सीखनी पड़ेगी कि रेस्टोरेंट स्टाइल में बिरयानी कैसे बनती है। जो बिरयानी बनाए वो काफी जायकेदार हो, जिसे खाने के बाद लोग दोबारा ऑर्डर करने के लिए मजबूर हो जाएं। किसी अच्छे किस्म के ब्रांडेड बासमती चावल, शुद्ध घी और हाइजेनिक चिकन द्वारा इसे तैयार करें। बिरयानी को अच्छे से पैक करके बॉक्स में बेचना है और बॉक्स को अट्रैक्टिव रखें ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे। बॉक्स में बिरयानी के साथ सलाद, रायता, चम्मच, टूथपिक, पेपर नैपकिन आदि भी हो। बिरयानी को मार्केट में सेल करना है तो इसकी बेहतरीन पब्लिसिटी भी करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले कोई अच्छा सा नाम रखें, नाम ऐसा हो जो लोगों की जबान पर जल्दी चढ़ जाए। नाम में बिरयानी शब्द जरूर आना चाहिए। ऑनलाइन पब्लिसिटी करें, इसके लिए इसी नाम से एक वेबसाइट और ऐप तैयार करें। वेबसाइट और ऐप आपको एक अलग पहचान दिलाएगी, साथ ही इसके माध्यम से भी आपको ऑर्डर मिलने लगेंगे। अच्छी किस्म के कलर पेपर पर अपने बिरयानी बिजनेस की जानकारी प्रिंट करवा कर आप अपने एरिया में बंटवा सकते हैं। एड में बिरयानी की खूबी और उसके रेट के बारे में बताएं, साथ में अपने वेबसाइट, फोन नंबर आदि की भी पूरी जानकारी दें। बिरयानी बिजनेस की शुरुआत आप जब भी करें, एक साथ 10 से 20 किलो बिरयानी बनाकर ना रखें। इसकी शुरुआत आप 2 किलो बिरयानी बनाकर करें। 2 किलो चावल और 2 किलो चिकन की बिरयानी पकने के बाद 6 किलो हो जाएगी। इस ऑर्डर के खत्म होने से पहले आप अगली शिफ्ट के लिए बिरयानी तैयार करना शुरू कर दें। इससे नए ऑर्डर करने वालों को ताजी बिरयानी मिलती रहेगी। हमेशा अच्छे किस्म के ब्रांडेड बासमती चावल का इस्तेमाल करें और इसे रिफाइंड तेल के बजाय शुद्ध देसी घी में तैयार करें। तो आज हमने आपको बिरयानी का स्टॉल लगाकर बिजनेस शुरू करने का एक अच्छा तरीका बताया, जिसे अपनाकर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।